हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूडियस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता तो भाई क्लास टेंथ की मैथ्स चल रही थी जहाँ पे हमारा सातवा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति क्या नाम है निर्देशांक ज्यामिति ठीक है और इसमें इस एक्सरसाइज हमारी सेवन पॉइंट वन वाली जो थी वो स्टार्ट हो चुकी है ठीक है और सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज में हमने चार क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट देख लेना प्लेलिस्ट में ढूंढ लो चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्ले जो है वो डाल देंगे ठीक है आप यहां से देख लेना और साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी तो चलिए आज की क्लास जो है हम उसको शुरू कर देते हैं ठीक है तो आज पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है पहला वाला मतलब पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी कक्षा में चार मित्र ठीक है बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है तो यहाँ पे आप आकृति जो है वो देख सकते हो कि चार मित्र है ए हमारा यहाँ पे है बी हमारा यहाँ पे है सी हमारा यहाँ पे है और डी हमारा यहाँ पे है चार मित्र है ठीक है ये इन बिंदुओं पर बैठे हैं चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं कुछ मिनट तो देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है चमेली जो है वो सहमत नहीं है ठीक है सहमत नहीं है तो हमें क्या करना है इन्होंने कहा दूरी सूत्र जो होता है उसका प्रयोग करके बताओ कि कौन सही है मतलब चमेली ने कहा है कि डी वर्ग है ठीक है पर चमेली जो है वो कह रही एवीसीडी वर्ग नहीं बना रहे तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा ठीक है ये हमारा हमारा यहाँ पे तो छठवा क्वेश्चन आ गया है इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहां से ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र जो है वो हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है दूरी सूत्र जो है वो हमने आपको क्या बताया था हम यहाँ पे आपको बता देते हैं ठीक है दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ये होता है हमारा दूरी सूत्र अब इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन अब हमें ये दूरी सूत्र लगाने के लिए निर्देशांक पता होने चाहिए ठीक है अब निर्देशांक जो है वो हमें पता नहीं है ठीक है निर्देशांक हमारे कैसे पता चलेंगे तो हम सारे निर्देशांक जो हैं वो यहाँ पे निकाल के लिख लेते हैं ठीक है और जब हमने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी ना तो वहां पे हमने निर्देशांक कैसे लगाए जाते हैं और तो निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं सारा सबको बहुत अच्छे से समझाया है तो इंट्रोडक्शन क्लास जो है देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए अभी तभी आप अच्छे से निकाल पाओगे जैसे कि ए वाला पॉइंट जो है छत्तीस में कितनी दूरी पे है ठीक है छैतीस मतलब लेटी हुई लाइन में कितनी दूरी पर है कितने खाने दूर है एक दो तीन तीसरे नंबर पे आ रही है तो तीन पहले लिख देंगे ठीक है और खड़ी वाली लाइन में कितनी दूरी पर है तो खड़ी वाली लाइन से कितनी दूरी पर है ए पॉइंट एक दो तीन चार चार पॉइंट पे है तो इस, इसके निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे तीन कौमा चार आ जाएंगे ए के निर्देशांक बी की बात करते हैं तो बी जो है लेटी हुई लाइन से कितनी दूर है सात पॉइंट दूर है ठीक है कितने पॉइंट दूर है सात पॉइंट दूर है और खड़े हुए पॉइंट से कितना दूर है तो खड़े हुए पॉइंट से ये सात नहीं छे अच्छा हाँ सात दूर है ठीक है एक मिनट इसको हम सही कर देते हैं लेटी हुई लाइन से कितना दूर है छह पॉइंट दूर है ठीक है उधर देख लिया लेटी हुई लाइन से कितने खाने दूर है एक दो तीन चार पांच छ चाहे तो आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो ये लाइन जो है बी वाली कहाँ पे आई है छ पे आई है ना तो यही छ जो है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है कॉमा और खड़ी हुई लाइन से कितना दूर है तो खड़ी हुई लाइन से ये कितना दूर है ये बी पॉइंट जो है वो कितना दूर है सात खाने दूर है सात खाने दूर है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे छह कॉमा में सात ठीक है अब हम सी की बात करते हैं तो सी जो है लेटी हुई लाइन से कितना दूर है तो सी जो है यहां तक आ रहा है तो लेटी हुई लाइन कहाँ पे हमारी नौ तक आ रही है ना सी वाली लाइन कहाँ तक जा रही है लेटी हुई लाइन पे नौ तक जा रही है तो हमारा नौ कॉमा हो जाएगा और खड़ी हुई लाइन से कितना दूर है तो खड़ी हुई लाइन से ये चार खाने दूर है तो चार पॉइंट आप यहां पे भी देख सकते हो तो नौ कॉमा चार हो जाएगा कितना हो जाएगा नौ कॉमा चार हो जाएगा हम इस डी के निर्देशांक देख लेते हैं डी के निर्देशांक के लिए जब हम देखते हैं तो भाई लेटे हुई लाइन से कितना दूर है लेटी हुई लाइन से छह पॉइंट दूर है खड़ी हुई लाइन से कितना दूर है एक पॉइंट दूर है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे छह कौमा एक हो जाएंगे ठीक है तो ए बी सी डी के निर्देशांक जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिए है ठीक है तो इस तरीके से सारे हमने पॉइंट जो है वो निकाल लिए तो हमें क्या करना है सबसे पहले ए बी सी डी ठीक है मतलब ए से लेकर बी की, की, की दूरी निकालेंगे फिर हम बी से लेकर सी की दूरी निकालेंगे फिर सी और डी की दूरी निकालेंगे फिर डी और ए की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा काम करने वाले हैं ए से लेकर बी के बीच में दूरी निकालेंगे तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं यहाँ पे बी लिख लेते हैं और यहाँ पे ए के निर्देशांक जो है तीन कौमा चार उसको लिख लेते हैं और यहाँ पे बी के निर्देशांक छमा सात लिख लेते हैं ठीक है ये तो हमने लिख लिया अब हम क्या करेंगे सबसे पहला काम होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इनको एक्स वन वाई वन मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे एक्स टू और वाई टू मान लेंगे इस तरीके से हमने ये मान लिया है ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई हमसे गलती ना हो ठीक है इतना हो गया अब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अः यहाँ पे एबी के बीच की दूरी निकालनी है ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए पी फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है और हमने आपको इतनी बार मतलब बुलवाया है हमने इतनी बार ये फॉर्मूला बोला है कि आप, तक आपको रट गया होगा ठीक है तो अब हमें करना क्या है हमें करना क्या है कि ये जो हमारा दिया गया है ठीक है x1 वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है तो x1 जो है वो हमारा तीन है x2 हमारा सिक्स है और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा देंगे फिर हम क्या करेंगे y1 वन माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है y1 हमारा चार है y2 हमारा सेवन है इसका होल स्क्वायर कर देंगे ठीक है अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे छह में से तीन गया तीन बचेगा पर छह बड़ा था इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का तीन बचेगा होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस लगा देंगे सात में से चार घटाएंगे तीन बचेगा पर सात जो है बड़ा है इसके पास माइनस इसलिए माइनस का तीन बचेगा होल स्क्वायर लगा देंगे ठीक है ये प्लस माइनस के रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो इस टाइम हमारा एक चैनल है जिसका नाम यहाँ पे डला हुआ होगा जोजस बेसिक मैथ ठीक है उस पर जाइएगा इस टाइम सीरीज चल रही है हालांकि इस पर बहुत सारी क्लासेज हमने कराई हुई हैं ठीक है थीके? बेसिक मैथ सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है वहां पे बिल्कुल बेसिक मैथ सिखाई जाती है जैसे कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उस सीरीज को देखकर आपकी मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी जो आपके डाउट है सारे के सारे दूर हो जाएंगे ठीक है तो उस सीरीज को जरूर देख लेना अब हम क्या करेंगे माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा नौ ध्यान जा रखिएगा माइनस का स्क्वायर जब हम करते हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर वूड एट्टीन हो जाएगा अब हम एट्टीन के क्या आ, के निकालेंगे अः तो हम एट्टीन के गुड़नखंड निकालेंगे ठीक है तो हम जानते हैं भाई एट्टीन को जब हम ओपन करते हैं गुड़नखंड एटीन किसके टेबल में आता है एट्टीन जो है अः दो के टेबल में आता है दो ने दो नेम अठारह और नौ के जब हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीन गुणे में तीन और वर्गमूल का ये जो चिन्ह है ये हमारा कैसे हटेगा जब ये जोड़ा बनाएगा अब जोड़ा तो हमारा सिर्फ तीन का ही बन रहा है दो का जोड़ा नहीं बन रहा है तो दो को हम अंदर ही रखेंगे और जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर ले आएंगे लेकिन बाहर कौन आएगा एक ही बाहर मतलब जोड़ा में से एक ही बाहर आएगा ठीक है ये अपने आप गायब हो जाएगा तो ये हमारी ए बी की दूरी जो है कितनी निकल के आ गई है थ्री रूट टू निकल के आ गई है अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं ठीक है तो हमने इस तरीके से ये यह यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया बी के बी का जो निर्देशांक है वो छह कॉमा सात है और सी का निर्देशांक जो है वो नौ कॉमा में चार है ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सेम वही काम करेंगे x1 y1 मानेंगे तो ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है ठीक है ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा x2 है और ये हमारा क्या है y2 है ठीक है अब हम सेम वही काम करने वाले हैं काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम आपको एक बार क्लियर भी कर देते हैं ठीक है हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये अलग रहे आपको क्लियर होता रहे ठीक है तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम यहाँ पे क्या करने वाले थे आ, यहाँ पे हम BC के बीच की दूरी निकालने वाले थे तो इस तरीके से हमने बीसी लिख दिया है ठीक है बीसी लिख दिया है और हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम यही रहने वाला है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर ठीक है यहाँ हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं वाई एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर क्यों क्योंकि जब हम हम माइनस मतलब हमारा अगर माइनस में आंसर होता है वो प्लस हो जाएगा तो प्लस में आंसर आता है वो भी हमारा प्लस हो जाएगा इसलिए हम चाहे एक्स वन माइनस एक्स टू करें या वाई वन माइनस वाई टू या वाई टू माइनस वाई वन या एक्स टू माइनस एक्स वन हम करेंगे ठीक है तो फिलहाल हम एक -स स एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर करेंगे तो छह में से हम क्या घटाएंगे नौ को घटाकर इसका होल स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूले में हमारा प्लस होता है प्लस लगा दिया ऐसे ही वाई वन माइनस वाई टू मतलब सेवन माइनस फोर का होल स्क्वायर करेंगे आगे की स्टेप हमारी क्या होने वाली है हम यहाँ पे छह में से नौ को घटाएंगे तो माइनस का तीन आएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कर देंगे सात में से चार को घटाएंगे तो हमारा तीन आएगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे फिर हम जब इसको ओपन करते हैं मतलब इसका वर्ग जो है वो निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? तीन या नौ हो जाएगा यहाँ पे भी नौ हो जाएगा जो कि जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा रूट एटीन हो जाएगा ठीक है सेम हमारा वही आ गया है सेम जब रूट एट्टीन आ गया है तो इसको कैसे ले सकते हैं तीन गुड़े में तीन और गुणे में दो ये हमारा जोड़ा था तो जोड़े में से एक बाहर निकल के आ गया दो का जोड़ा थ्रा नहीं ऐसे ही रहा तो ये ए बी और बी सी दोनों ही हमारे क्या निकल के आ गए हैं थ्री रूट टू निकल के आ गए वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए ठीक है हमने हालांकि आपको बताया नहीं लेकिन हम आपको बता देते हैं ये बेसिक बात थी इसलिए हमने छोड़ दी थी लेकिन हम आपको बता देते हैं एक वर्ग हमारा तभी बनेगा जब जब हमारे इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए ठीक है मतलब ए ये हमारा ए है ये हमारा बी है ये हमारा सी है ये हमारा डी है मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए इनकी दूरी जो है सबकी बराबर होनी चाहिए पहली कंडीशन तो ये है दूसरी कंडीशन ये है ये दो विकर्ण जो हैं ए सी और बी डी ये हमारे बराबर होनी चाहिए ठीक है फिलहाल ए बी और बी सी जो है वो बराबर हमारे आ चुके हैं नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं सी डी और डी ए तो हम यहाँ पे सी सी डी बना लेते हैं यहाँ पे डी ए बना लेते हैं ठीक है यहाँ पे हम सी लिख देंगे यहाँ पे डी लिख देंगे यहाँ पे डी लिख देंगे यहाँ पे ए लिख देंगे ठीक है हम पॉइंट्स देख लेते हैं सी का पॉइंट जो है नौ कॉमा चार ठीक है सी का पॉइंट है नौ कॉमा में चार और डी का पॉइंट हमारा क्या था छमा एक ठीक है छमा में एक ठीक है इसको सही से कर देते हैं छह कॉमा में एक ठीक है डी का पॉइंट क्या था छह कॉमा में एक और ए का पॉइंट जो है वो तीन कॉमा चार था शायद एक बार देख लेते हैं चेक कर लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो ठीक है तो ये हमने पॉइंट जो है वो लिख लिए सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करने वाले हैं एक एक स्टेप हम आपको बताते हुए चलेंगे ठीक है ये आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं ठीक है क्लास भले ही हमारी लंबी हो जाए कोशिश करते हैं कि जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए जा अगर हमारा हम, हम पढ़ाकर चले गए आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया तो मेरे पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है तो इससे बढ़िया है कि टाइम भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन एक एक चीजें जब क्लियर करते हुए चलते हैं तो वो चीजें जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं हम कभी उनको भूलते नहीं है ठीक है इतना हो गया तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं एक्स ये हमारा क्या था एक्स वन था ये हमारा y1 था ऐसे ही ये हमारा क्या था x2 था ये हमारा y2 था x1 वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन करो सारे चलो x1 जो है 9 है 6 माइनस है का होल स्क्वायर प्लस करेंगे 4 माइनस एक का होल स्क्वायर ठीक है नौ में से जब हम छह को घटाते हैं तो तीन बचता है तीन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस होगा ठीक है इसको हम सही कर देते हैं ठीक है तो ये हमारा क्या है माइनस चार में से एक को घटाया तीन बचा तीन का स्क्वायर हो गया तो ये हमारा कितना निकल के आ गया तीन तिया नौ तीन तिया नौ, नौ मतलब अंडर रूट अंडर रूट को तो अभी हम देख चुके हैं तो ये हमारा क्या निकला होगा चलो इसको नीचे ही लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज के पे कर लेंगे बाकी बचा हुआ क्वेश्चन ठीक है तो ये हमारा कितना अंडर रूट एटीन अंडर रूट एटीन को हमने क्या बोला है थ्री रूट टू बोला है ठीक है चप्पल लो ठीक है तो अब हम क्या निकालेंगे ए निकालें क्या निकालेंगे डी ए निकालेंगे डीए में भी सेम हमारा यही होने वाला है ये हमारा एक्स वन है ये हमारा वाई वन है ठीक है ये हमारा एक्स टू है और ये हमारा y2 टू है ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करते हुए चलेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस करेंगे अः वन माइनस फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ठीक है यहाँ पे हमारा क्या बचेगा तीन का स्क्वायर बचेगा प्लस लगा देंगे और यहाँ पे माइनस तीन का स्क्वायर बचेगा सेम वही चीज हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा नौ आ जाएगा यहाँ पे भी हमारा नौ आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर वोड एटीन हो जाएगा अंडर वीन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी थ्री रूट टू आ जाएगी तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया इस क्वेश्चन में कि हमारी ए बी सी डी जो है वो हमारे थ्री रूट टू तो आ रहे हैं आ रहे है ना तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या निकालना है भाई नेक्स्ट नेक्स्ट पेज जो है वहां पे हमें निकालना है अ क्या निकालना है क्या बोलते हैं उसको सी डी एसी और बी डी विकर्ण जो है हमारे वो उनको निकालना है ठीक है तो हम यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे डाल देते हैं विकर्ण अब हम देखने वाले हैं ठीक है थीके? विकर्ण में पहला जो विकर्ण है हमारा वो क्या है पहला वाला विकर्ण जो है वो हमारा है एसी ठीक है और दूसरा वाला जो विकर्ण है ठीक है जल्दी जल्दी में क्या होता है कि लाइन जो वो त्री हो जाती है एक्चुअली ठीक है ठीक है तो ये हमारा क्या है पहला विकर्ण ए सी है और दूसरा वाला जो विकर्ण है वो हमारा बीडी है ठीक है ए के निर्देशांक तो हमने देख लिए थे ए के निर्देशांक जो थे वो हमारे तीन कॉमा चार थे और सी के निर्देशांक हमारे कितने थे ठीक है तो ए के निर्देशांक तीन कॉमा चार सी के निर्देशांक थे नौ कॉमा चार ठीक है इसके निर्देशांक क्या है नौ कॉमा में चार और बी के निर्देशांक हमारे क्या हैं ठीक है ठीके? तो बी के निर्देशांक जो है वो हमारे कहाँ गए ऊपर देख लेते हैं ठीक है बी के निर्देशांक जो है छ कौमा सात छमा एक छमा सात छमा एक लिख लेते हैं छमा सात और छमा ये हमारे निर्देशांक हो गए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इधर क्या निकालना है ए सी निकालना है फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है तो ये हमारा एक्स वन है ये हमारा वाई वन है ये हमारा एक्स टू है और ये हमारा वाई टू है ठीक है तो x1 हमारा कितना है तीन माइनस नौ का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस लगा देंगे ऐसे ही चार माइनस चार का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे तीन में से नौ को जब हम घटाते हैं तो माइनस का छह बचता है ठीक है स्क्वायर हो जाएगा अब ये तो हमारा कट गया कुछ भी नहीं बचा जीरो लिख देंगे और छे रन रंग हमारा कितना होता है छत्तीस होता है अब छ का स्क्वायर कह लो यहीं से हम डायरेक्ट वर्गमूल को हटा सकते थे ठीक है अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं छह बुढ़े में छह मतलब जोड़ा बन गया या जोड़ा बन जाता है तो हमारा वर्गमूल का साइन जो है वो हट जाता है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा छ आ जाएगा ए सी तो हमारा छह आ गया बी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बीसी लिख देंगे और फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे ठीक है ये हमारा क्या है एक्स वन है और ये हमारा क्या है वाई वन है ऐसे ही ये हमारा एक्स टू है और ये हमारा वाई टू है तो एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब सिक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस करेंगे सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो हमारे कट गए आपस में जब कट गए हमारे आपस में तो जीरो हो गया और साथ में से एक गया तो हमारा छह आ जाएगा का स्क्वायर। अब कह लो हमने वर्गमूल को काट दिया तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे छह बचेगा सेम वही चीज़ बचेगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हल, हल करने पर हल करने पर हल करने पर हमने क्या पाया ए बी है वो बराबर है सी के और सी बराबर है सी डी के और ये बराबर है डी ए के ठीक है ये सारी क्या है हैं ठीक है थीके? उनके लिए लिख सकते हैं भुजा ये बराबर है ठीक है और हम यहाँ पे लिख देंगे तथा 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 में क्या लिख देंगे विकर्ण विकर्ण जो थे हमारे कौन से थे विकर्ण यहाँ यहाँ पे ये भी लिख सकते हो थ्री रूट टू ठीक है विकर्ण जो थे वो हमारे थे आ, एसी और बी डी दोनों ही बराबर थे जो कि आए हैं छह तो सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या बनाते हैं वर्ग बनाते हैं वर्ग बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं ठीक है वर्ग बनाते हैं तो इसका मतलब कौन सही निकला तो यहाँ चंपा सही है तो कौन सही निकला चंपा सही है इन्होंने बताया था पूछा था कि कौन सही है तो हम बता देंगे कि भाई चंपा सही है ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन सिक्स है जहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए ठीक है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और चार चार बिंदु दिए गए हैं ठीक है इन जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है ठीक है हम यहाँ पे क्या क्या ले लेते हैं मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ए का है ये हमारा पी का है ये वाला पॉइंट जो है वो सी का है और ये वाला पॉइंट जो है वो डी का है ठीक है तो हमें क्या करना होगा ए बी सी डी निकालनी होगी ठीक है ए बी बी सी सी डी और डी ए साथ में हमें दोनों विकर्ण निकालने होंगे तभी हमें जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार पता चलेगा ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे ए निकालेंगे फॉर्मूला हमारा सेम वही रहने वाला है जो हमने आपको बताया है ठीक है तो फॉर्मूला हमारा क्या था अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट अंडर रूट नहीं ब्रैकेट में वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ठीक तो है तो हमारा क्या है माइनस का वन है हम ए भी निकाल लें तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए होंगे ठीक है तो एक्स टू हमारा क्या है वन है माइनस करके स्क्वायर कर देंगे बीच में प्लस लगा देंगे y2 टू जो है वो माइनस का दो है और माइनस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है वाई वन जो है वो माइनस का दो है वाई टू जो है वो हमारा जीरो है इसका हम होल वर्क कर देंगे इस तरीके से अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसी लाइन में थोड़ा सोल्व कर, कर कर देखते हैं तो ये हमारा माइनस का दो हो जाएगा माइनस के दो का स्क्वायर और इधर हमारा क्या बचेगा ये भी माइनस का दो का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से माइनस का दो का स्क्वायर इधर भी माइनस के दो का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम इसको ओपन कर देंगे ठीक है तो दो धोनी चार हो जाएगा और ये भी हमारा चार हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एट अंडर रूट एट को हम क्या कहते हैं तो दो गुड़े दो गुड़े में दो इस तरीके से हुआ ठीक है इस तरीके से लिखा इसका जोड़ा बन गया तो ये तो बाहर निकल के आ गया और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह गया ठीक है जिस दो का जोड़ा बन गया है उसको हमने अंदर रखा और जिस दो का जोड़ा नहीं बनाया उसको हमने बाहर रख दिया है ठीक है इस तरीके से हमने हमारा क्या निकल के आ गया है टू रूट टू टूरू निकल के आ गया है ठीक है तो ये हमारा इतना आ गया है टू रूट टू अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट वाला निकालेंगे जो कि है हमारा BC ठीक है BC निकालते हैं तो BC भी हमारा सेम इसी प्रोसेस से ही निकलेगा तो इस बार हम पॉइंट जो लेने वाले हैं वो हम कौन से लेने वाले हैं हम लेने वाले हैं बीके एक कोमा जीरो सी के माइनस एक कोमा दो ठीक है तो ये इस ये हमारा एक्स वन हो जाएगा ये हमारा एक्स टू हो जाएगा ठीक है तो वन माइनस माइनस वन ठीक है माइनस वन क्या है एक्स टू है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पे प्लस लगा देंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा एक्स वन वाई वन माइनस वाई टू वाई वन हमारा जीरो है y2 हमारा दो है इनका स्क्वायर हम इस तरीके से कर देंगे तो भाई ये जो है क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस की गुणा जो है वो हमारी यहाँ पे प्लस हो जाएगी और यहाँ पे वन हो जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हमारा जीरो माइनस माइनस टू का मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो अब इसको हम ओपन कर देंगे ये हमारा दो हुआ दो का स्क्वायर चार हुआ ये हमारे माइनस दो का स्क्वायर भी हमारा चार हुआ तो ये भी हमारा अंडर रूट एट आ गया अंडर रूट एट को हमने क्या लिखा था अंडर रूट एट को हमने लिखा था टू रूट टू लिखा था ठीक है अब हम क्या निकालेंगे सी ए सी डी निकालेंगे तो हम यहाँ पे सी लिख लेंगे डी लिख लेंगे ठीक है इस बार हमारे पॉइंट क्या रहने वाले हैं माइनस एक कॉमा दो और माइनस तीन कॉमा जीरो ठीक है तो माइनस एक कॉमा दो मतलब माइनस वन माइनस माइनस ऑफ माइनस थ्री ठीक है माइनस वन ये फॉर्मूले का माइनस एक्स टू जो है वो माइनस थ्री है ठीक है अब इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे ब्रैकेट में और प्लस लगा देंगे फिर हमारा क्या हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर वाई टू हमारा जीरो है मतलब टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन और ये हमारा माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी ठीक है तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे माइनस एक और माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई ठीक है तो हम यहाँ पे माइनस एक लिख लेंगे माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई और फिर ये हमारा तीन लिख दिया गया फिर हम क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस लगा देंगे दो का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे ये हमारा क्या निकल के आएगा प्लस का दो निकल के आएगा प्लस के दो का स्क्वायर का मतलब चार ये हमारा दो का स्क्वायर हमारा चार तो सेम हमारा यहाँ पे अंडर रूट एट मतलब टू रूट टू निकल के आ गया ठीक है इतना हो गया अब हम क्या निकालेंगे डीए निकालेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी ए ठीक है डीए कैसे किया जाएगा यहाँ पे हम अंडर रूट लगाएंगे इस तरीके से और डी वाला पॉइंट माइनस तीन कॉमा जीरो और ए वाला पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस का दो ये हम यहाँ पे लेंगे ठीक है ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन हमारा क्या है माइनस तीन ठीक है माइनस एक्स टू क्या है माइनस का वन ठीक है तो माइनस के केवन के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे प्लस लगा देंगे फिर हमारा क्या हो जाएगा जीरो माइनस माइनस दो ठीक है यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगा के हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे फिर हम क्या करेंगे माइनस तीन लिखेंगे और माइनस माइनस की गुणा हमारी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी यहाँ पे वन कर देंगे इसका स्क्वायर लगा देंगे फिर हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जीरो माइनस माइनस दो तो ये हमारा प्लस में, में प्लस का दो हो जाएगा प्लस के दो का स्क्वायर हो जाएगा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये हमारा माइनस का दो हुआ मतलब माइनस के दो का स्क्वायर और ये प्लस के दो का स्क्वायर जो कि चार हुआ ठीक है ये भी हमारा अंडर रूट चार और ये भी हमारा प्लस में चार हो जाएगा तो मतलब अंडर रूट एट ये भी हमारा क्या आ गया अंडर रूट एट जिसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने टू रूट टू निकाली थी मतलब चारों गुजाएं जो है वो हमारे बराबर आ चुकी ठीक है चारों बुझाएं हमारी कैसी आ गई है बराबर आ गई है अब बराबर आ गई है अब हमें क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण निकालना पड़ेगा तो विकर्ण हमारे क्या होंगे एसी और बी डी ठीक है तो हम यहाँ पे एसी निकाल लेते हैं चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विकर्ण ठीक है एसी ठीक है और बी डी हम ये यह, ये यहाँ पे निकाल लेंगे ठीक है के पॉइंट क्या है हमारे माइनस एक को माइनस दो और सी के माइनस एक कॉमा दो ठीक है तो सेम हम यहाँ पे वही करने वाले हैं माइनस एक ठीक है माइनस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का एक ठीक है तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस करेंगे ठीक है प्लस में हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ये वाई वन माइनस वाई टू मतलब माइनस का दो ठीक है वाई टू हमारा कितना है प्लस का दो ठीक है तो ये फॉर्मूले का माइनस है या प्लस का दो है स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी मतलब माइनस का वन और प्लस का वन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक स्क्वायर क्या ये हमारा कट जाएगा आपस में जीरो हो जाएगा ठीक है प्लस करेंगे ये हमारा माइनस के चार का स्क्वायर ठीक है वो तो हमारा जीरो हो गया तो चार का स्क्वायर का मतलब ये हमारा चार निकल के आ जाएगा क्या निकल के आ जाएगा चार निकल के आ जाएगा अब बीडी हम निकाल के देखते हैं ठीक है बीडी में डीके पॉइंट एक कोमा जीरो डीके माइनस तीन कॉमा जीरो, जीरो ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक माइनस ऑफ माइनस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है प्लस जीरो माइनस जीरो का होली स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी मतलब यहाँ पे हमारा चार का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का जीरो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जो की जीरो ही रहेगा तो चार का स्क्वायर का मतलब हमारा 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 क्या हो जाएगा ये ये भी निकल के आ गया तो हमारा कैसा कैसी आकृति निकल के आई है तो ये जो हमारी यहाँ पे आकृति निकल के आई है ये निकल के आई है हमारी इसकी चारों भुजाएं बराबर है दोनों विकर्ण बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहां चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं अतः ये क्या है यह एक क्या है वर्ग है क्या है वर्ग है ठीक है तो ये क्या निकल के आया है ये हमारा वर्ग निकल के आया है क्या निकल के आया है वर्ग निकल के आया है ठीक है इतना आया समझ में अब हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है तो हम सेम इसमें भी वही काम करेंगे ये हमारा ए के निर्देशांक ये हमारा बी के निर्देशांक ये हमारा सी के निर्देशांक और ये रहा हमारा डी के निर्देशांक तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है फिर हमें बी सी निकालना है फिर हमें सी डी निकालना है फिर हमें डी ए निकालना है फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है विकर्ण निकालना है विकर्ण हमारे कौन से हो जाएंगे एक तो ए सी हो जाएगा दूसरा हमारा बी डी हो जाएगा इसी के आधार पर हम तय करेंगे कि हमारी आकृति जो है वो कैसे रहने वाली है ठीक है तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ए भी निकालते हैं ए के निर्देशांक सांग माइनस तीन कॉमा पांच बी के निर्देशांक तीन कॉमा एक ठीक है तो हमारा फॉर्मूला वही लगने वाला है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन हमारा माइनस का तीन है ठीक है माइनस लगा देंगे और हमारा एक्स टू जो है वो तीन है इनका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा देंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अंडर रूट नहीं लगाना है हमें वाई वन माइनस वाई टू पांच माइनस एक का होल स्क्वायर ठीक है अब ये हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं माइनस तीन और माइनस तीन हमारा क्या हो गया माइनस का छ हो गया और पांच माइनस एक का मतलब चार का स्क्वायर ठीक है square, इतना हो गया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे छ का स्क्वायर हमारा छत्तीस होता है चार का स्क्वायर हमारा क्या होता है चाचकू सोलह होता है ठीक है जोड़ देंगे छह छह बारह हमारा हुआ और तीन एक चार हुआ अंडर रूट बयालीस हुआ हमारा क्या हो गया अंडर रूट बयालीस हो गया और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो हमारा बी के पॉइंट तीन कॉमा एक सी के पॉइंट जीरो कॉमा तीन ठीक है तो तीन माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस लगा देंगे वाई वन माइनस वाई टू वाई वन जो है वन है वाई टू हमारा थ्री है मतलब वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हमारा तीन का स्क्वायर जो है तीन माइनस जीरो का मतलब क्या हुआ तीन माइनस जीरो का मतलब हमारा तीन ही हुआ ठीक है तीन का स्क्वायर और हमारा ये क्या है माइनस का दो हो जाएगा माइनस का दो का स्क्वायर ठीक है तीके? तो तीन का स्क्वायर जो है वो हमारा नौ हो गया दो का स्क्वायर हमारा चार हो गया नौ चार हमारा क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा क्या हो जाएगा नौ चार जो है वो हमारा तेरह हो जाएगा तेरा हो गया आगे चलते हैं तो आगे वाला हम देख लेते हैं ठीक है आगे जो है वो है ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सी डी वाला C के पॉइंट जीरो को थ्री डी के पॉइंट माइनस एक कोमा माइनस चार तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं जय श्री राम ठीक है तो हम यहाँ पे c जो x1 है वो जीरो है x2 जो है वो माइनस का वन है इसलिए इसको ब्रैकेट में इस तरीके से हम कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे और फिर हमारा y1 जो है वो तीन है और y2 जो है वो माइनस का चार है इस तरीके से इसमें भी ब्रैकेट लगा देंगे ठीक है और होल बड़ा होल वर्ग लगा देंगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जीरो माइनस माइनस एक मतलब एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लगाएंगे और ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी मतलब चार तीन सात सात का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस सात सतास का स्क्वायर का मतलब हमारा क्या हुआ एक हुआ तो एक लिख देंगे और सात सतचास हो जाएगा तो मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट पचास आ जाएगा ठीक है अंडर रूट पचास आ गया है अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं नेक्स्ट करेंगे डीए ठीक है डीए करने की हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जब हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है तो मतलब ये हमारा कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है यहाँ पे ठीक है कोई भी चतुर नहीं कुछ नहीं बन रहा है जब कोई भी चतुर कुछ नहीं बन रहा है तो उसको हम तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला ठीक है जहां पे ए डी हमें निकालना है या डी ए निकालना है तो अब हम क्या करेंगे डी के पॉइंट माइनस ए कोमा माइनस चार ए के पॉइंट माइनस तीन कोमा पांच तो हम क्या करेंगे एक्स वन हमारा माइनस वन है एक्स टू हमारा माइनस थ्री है ठीक है माइनस वन माइनस ऑफ माइनस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है फिर प्लस करेंगे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस चार और माइनस पांच वाई वाई टू हमारा कितना है पांच है इसका हम होल स्क्वायर करेंगे माइनस का माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी मतलब प्लस का तीन और माइनस का एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के दो का स्क्वायर प्लस कर देंगे ये हमारा नौ का स्क्वायर हो जाएगा वो भी माइनस के ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा नौनेसी मतलब जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा अंडरवुड पचासी हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा अंडरवुड एट्टी फाइव हो जाएगा जाके ठीक है अभी हमने इनकी वैल्यूज नहीं निकाला है मतलब इनको सॉल्व नहीं किया है देखो ये अः बयालीस जो है वो हम चार से अगर इसको गुणा करें चार के टेबल में बयालीस आएगा नहीं आएगा चार के बाद हमारा कौन सा वर्ग होता है नौ नौ के टेबल में बयालीस आता है नौ के टेबल में बयालीस नहीं आता है ठीक है अगर हम इसको सोलह के टेबल में देखें, है, सोलह के टेबल में भी नहीं आता है और सत्रह के चलो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं ठीक है बयालीस को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका लाशा हम लेकर देखते हैं दो दिन चार दो एक कम दो और तीन सत्त्य केस ठीक है मतलब ये इसका हमें कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है सिर्फ बाईसी बयालीस निकल के आ रहा है ये भी नहीं निकलेगा और ये हमारा अंडर रूट पचास जो है वो निकलेगा क्या तो पच्चीस पच्ची पचास मतलब पांच रूट टू ठीक है ये निकल के आ गया और ये हमारा पचासी है पचासी किसके टेबल में आएगा तो पचासी जो है वो हमारे किसके टेबल में आएगा तो ये सत्रह पच्ची पचासी ठीक है तो इसका भी हमारा रूट नहीं निकल के आएगा क्योंकि मतलब इसको हमें कैसे रखना है ऐसे ही रख देना है ठीक है ठीक है तो ये हो गया और एक चीज यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ये हमारा बावन होगा ठीक है मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फाइव होगा जो तो, ठीक है फोर नहीं होगा यहाँ पे हमारा क्या होगा फाइव होगा तो हम यहाँ पे फाइव कर देंगे और हम जानते हैं तेरा चक्कू बावन ठीक है तेरा चक्कू बावन होता है तो चार का तो वोल निकल आएगा जो क्यों हो जाएगा दो और तेरा का वर्ग मूल नहीं निकलेगा जो ऐसे ही रहेगा ठीक है इसका भी हमारा कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे ही रहेगा ठीक है तो हम इसको भी ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं ठीक है अब हमें क्या निकालना है विकर्ण है, तो विकर्ण के लिए हमारा क्या है ए सी है ए के पॉइंट माइनस तीन कॉमा पांच है और सी के पॉइंट क्या है हमारे सी के पॉइंट जो है जीरो कॉमा थ्री है तो इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला जो है वो हम अपना लगाएंगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा ए के पॉइंट है माइनस तीन ठीक है मतलब एक्स वन के पॉइंट है माइनस तीन और वाई टू के पॉइंट जो है वो एक्स टू के जो पॉइंट है वो जीरो है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बीच में प्लस कर देंगे पांच माइनस तीन ठीक है पांच माइनस तीन करके इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे ये यह हमारा क्या हो गया है यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमारा माइनस तीन हुआ माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे ठीक है ये हमारा माइनस तीन का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे प्लस कर देंगे तीन माइनस पांच पांच माइनस तीन का मतलब दो दो का स्क्वायर कर देंगे तीन का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा दो का स्क्वायर हमारा चार हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो अंडर रूट में तेरा आ जाएगा कितना आ अंडर रूट में तेरा आ जाएगा ऐसे ही हम बी डी निकाल देंगे तो बी के निर्देशांक हमारे क्या है ठीक है तो बी के निर्देशांक जो है वो हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं बी के जो निर्देशांक है वो है तीन कॉमा एक ठीक है मतलब x1 जो एक वो माइनस चार एक्स टू जो है वो माइनस का वन है ठीक है इसका होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस लगा देंगे अब हम क्या करेंगे वन माइनस मतलब वाई वन माइनस वाई टू वन जो है वो हमारा क्या है एक, वाई वन है और ये हमारा क्या है वाई टू है माइनस का फोर इस तरीके से करके होली स्क्वायर लगा देंगे अब इतना हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी मतलब तीन और एक चार चार का स्क्वायर हो जाएगा इधर हमारा माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी मतलब चार एक पांच पांच का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा चार सोलह और पचम पच्चीस ठीक है सोलह पच्चीस हमारा कितना हुआ अंडर रूट छह पांच ग्यारह और दो एक तीन चार अंडरवुट एक इक सौ इकतालीस हुआ ठीक है इस तरीके से हमने देखा चारों भुजाएं भी अलग आ रही चार वो भी, कर्ण भी हमारे अलग आ रहे हैं ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई चारों सब चीज सब कुछ अलग आ रहा है लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे देखा यहाँ पे भी अंडर रूट तेरा है यहाँ पे भी अंडर रूट तेरा है अब जब अंडर रूट तेरह अंडर रूट तेरह को जोड़ते हैं तो हमारा टू रूट थर्टीन भी आ रहा है मतलब टू रूट तेरा भी आ रहा है अब ऐसी हम कंडीशन में यहाँ पे क्या करने वाले हैं ठीक है ठीके? ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा किसको यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पी सी ठीक है क्या बी सी प्लस ए सी करेंगे तो हमारा ए बी आ रहा है ठीक है मतलब कुछ इस तरीके से हमारे बिंदु होंगे ठीक है हमारा क्या आ रहा है ए बी आ रहा है मतलब यहाँ पे ए बी है और सी हमारा कहीं यहाँ पे होगा ठीक है ये हमारा अंडर रूट थर्टीन है ये हमारा अंडर रूट थर्टीन है और अगर हमारा विकर्ण का पॉइंट किसी एक रेखा पे होगा तो वो हमारा चतुर्भुज हम चौथा पॉइंट कहा ले जाएंगे अगर चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो ये हमारा चतुर्भुज थोड़ी ना हुआ ये तो हमारा त्रिभुज हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे है ठीक है चूंकि बी सी प्लस ए सी जो है वो ए बी के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है ठीक है क्या लिख देंगे संभव नहीं है ठीक है इस तरीके से कर देंगे ये हो गया हमारा ऐसा चतुर्भुज क्या नहीं है संभव नहीं है ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला वाला पॉइंट, ठीक है पहला वाला हो गया अब हम सेकंड वाला करेंगे ठीक है सेकंड वाला जो है वो कहाँ रह गया अच्छा सेकंड वाला हो गया है ठीक है अब हम थर्ड वाला करेंगे ठीक है दो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया ये थर्ड वाला हमारा ये रहा तो बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह ये हमारा क्या हो जाएगा ए पॉइंट हो जाएगा ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से ये हमने कर दिया कर दिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जैसे कि हमको पता है क्या पता है हमको हमको पता है कि ए बी निकालना है ठीक है ए बी निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले ए बी लिख देंगे फिर हमें पता है कि हमको बी सी निकालना है बी सी लिख देंगे फिर हमको पता है सी डी निकालना है फिर हमें डी ए निकालना है फिर हमें क्या निकालना है विकर्ण निकालना है तो सारी चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखे दे रहे हैं ठीक है जो जो चीजें हमें निकालनी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और हमने सारे पॉइंट भी लिख दिए हैं तो इनको करना थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है तो ए के पॉइंट जो है वो हमने क्या लिए थे ए के पॉइंट हमने चार कोमा पांच लिए हैं और के पॉइंट सेवन कोमा सिक्स लिए हैं तो ये हमारा एक्स वन हो गया ये हमारा एक्स टू हो गया मतलब चार माइनस सात का होल स्क्वायर हो गया ये हमारा वाई वन हो गया पांच ठीक है और छह हमारा वाई टू हो गया इनका होल स्क्वायर कर दिया माइनस करके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सात में से जब चार जाएगा तो माइनस का तीन बचेगा इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कर देंगे यहाँ पे पांच में से जब छह जाएगा तो माइनस का एक बचेगा इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा प्लस में ही आंसर आता है मतलब तीन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा नौ आएगा एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा जब इसको जोड़ देंगे तो अंडर रूप टेन आ जाएगा ठीक है अब हम बीसी वाला करेंगे तो बी के पॉइंट है साइवन कॉमर सिक्स सी के पॉइंट है फोर कॉमर थ्री ठीक है अब हमारा एक्स वन इसमें क्या रहने वाला है एक्स वन जो है सात रहने वाला है ठीक है एक्स टू जो है वो चार रहने वाला है ठीक है इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस कर देंगे तो ऐसे ही अः हमारा वाई वन जो है वो सिक्स रहने वाला है वाई टू जो है वो हमारा थ्री रहने वाला है इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है लाइट चली गई है इस वजह से आपको रोशनी कम दिखाई दे रही होगी अगर चेक कर लेते हैं कि क्या असर पड़ा है इतना कुछ खास असर नहीं पड़ा है खैर ठीक है आगे चलते हैं सात में से चार गया तो हमारा तीन बचेगा तीन का स्क्वायर हो जाएगा छह में से तीन बचेगा तो तीन बचेगा तीन का स्क्वायर हो जाएगा भाई तीन का स्क्वायर होता है हमारा नौ इधर भी तीन का स्क्वायर जो होता है वो हमारा नौ होता है और नौ 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 हमारा अठारह होता है मतलब यहाँ पे अठारह आ जाएगा अंडर रूट में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए सी और डी है सी के पॉइंट है फोर कॉमर थ्री और डी के जो पॉइंट है वो हमारे क्या है वन कॉमर टू ठीक है ये है ना तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सी जो है वो हमारा कितना है फोर कॉमा थ्री है मतलब एक्स वन जो है वो हमारा फोर है एक्स टू जो है हमारा वन है इसको स्क्वायर कर देंगे वाई वन जो है वो हमारा थ्री है वाई टू जो है वो हमारा दो है, है, है इसका स्क्वायर कर देंगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे चार में से चार में से जब हमारा एक जाएगा तो हमारा कितना बचेगा तीन बचेगा तीन बचेगा तो मतलब यहाँ पे तीन का स्क्वायर हो गया जब तीन में से एक जाएगा तो तीन में से दो जाएगा एक बचेगा एक का स्क्वायर हो गया ठीक है तीन का स्क्वायर जो होता है वो न होता है एक का स्क्वायर एक होता है तो इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट हमारा टेन आ जाएगा ऐसे ही डीए निकालेंगे ठीक है डीए जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है भाई डीए जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो सेम यही प्रोसेस करेंगे और वन कॉमा टू डी फोर कॉमा फाइव ए के निर्देशांक निर्देशांगन है एक्स टू जो है वो हमारा फोर है माइनस करके स्क्वायर कर दिया बीच में प्लस कर दिया ऐसे ही वाई वन जो है वो हमारा टू है वाई टू जो है वो हमारा फाइव है इसका स्क्वायर कर दिया एक चार में से एक जाएगा तो माइनस का तीन बचेगा ठीक है और माइनस का तीन बचा स्क्वायर कर दिया प्लस कर दिया पांच में से दो जाएगा तो माइनस का तीन बचेगा इसका भी स्क्वायर कर दिया अब हम क्या करेंगे भाई तीन का स्क्वायर नौ और इधर भी तीन का स्क्वायर हमारा नौ तो ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट एट्टीन आ गया तो हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे एबी और सी डी बराबर है ठीक है बी और सी डी बराबर है सी और डी ए जो है वो हमारे बराबर है मतलब आमने सामने वाली बुझाएं हमारी बराबर हो गई ठीक है अब हम विकर्ण निकाल के देखते हैं विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो आयत हो जाएगा अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ठीक है तो हम ये भी आपको क्लियर करवा देते हैं कैसे ये सब होगा पहले क्वेश्चन लगा ले फिर क्लियर करा देंगे तो ए के निर्देशांक जो है वो हमारे क्या है चार कामा पांच है सी के निर्देशांक चार तीन है तो एक्स वन क्या हो गया चार हो गया और वाई एक्स टू हमारा कितना हो गया वो भी हमारा चार हो गया स्क्वायर हो गया हो गया बीच में प्लस कर दिया फाइव जो है हमारा वाई वन हो गया और थ्री जो है हमारा वाई टू हो गया स्क्वायर कर दिया चार में से चार चला गया तो हमारा जीरो हो गया ठीक है जीरो प्लस पांच में से दो गया तीन गया दो बचा दो का स्क्वायर हो गया अब दो का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट गया तो हमारा कितना आ गया दो आ गया ऐसे ही बीडी निकाल लेते हैं ठीक है बी डी जब हम, हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा हमारा हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है बी के निर्देशांग जो है सात कॉमा छह और डी के निर्देशांग एक कॉमा दो ठीक है तो हम क्या करेंगे सात में से एक को घटा के स्क्वायर कर देंगे फिर हम छह में से दो को घटा के स्क्वायर कर देंगे ठीक है अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे सात में से जब छह जाए एक जाएगा तो हमारा छ बचेगा छह में से दो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा चार बचेगा तो अब हमारा छत्तीस हो गया और चाची को सोलह हो गया तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा छ छह बारह पांच अंडर रूड बावन आ जाएगा ठीक है हो सकता है कि आपको यह ना दिख रहा हो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या आ रहा है ठीक है तो इतना हो गया ठीक है इतना हो गया अब हम आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब हम हमने यहाँ पे क्या बताया हमने आपको क्या बताया था हम आपको समझा देते हैं कि चतुर्भुज कैसे पहचाने जाएंगे भाई यहाँ पे हम सब सब चतुर्भुजों के बारे में आपको बता देते हैं ठीक है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ठीक है वो हमारी क्या हो सकती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो हमारे या तो वर्ग होगा ठीक है या तो क्या होगा सम चतुर्भुज होगा ठीक है या तो सम चतुर्भुज होगा ठीक है लेकिन वर्ग कब होगा वर्ग तब होगा जब हमारे विकर्ण बराबर होंगे जब विकर्ण बराबर होंगे तब तो वर्ग होगा जब विकर्ण जो है वो हमारे बराबर नहीं होंगे ठीक है ऐसे ही हम आयत के बारे में बता देते हैं ऐसी बुझाएं जिसकी आमने सामने की बुझाएं बराबर हो ये बुझा इसके बराबर हो ये वाली बुझा इसके बराबर हो ठीक है तो या तो वो हमारा क्या होगा आयत होगा ठीक है या तो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा ठीक है क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा अब हम पहचानेंगे कैसे समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो हमारे बराबर नहीं होते हैं पर आयत में जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं वो बराबर होते हैं अब आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे विकर्ण जो है वो बराबर नहीं आए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे आमने सामने की भुजा बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है बराबर नहीं है अतः यह समांतर चतुर्भुज है क्या है समांतर चतुर्भुज है ठीक है बस हमको लिखना था तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है समाप्त और दो क्वेश्चन हमने कराए हैं पांच ए हालांकि क्लास जो लंबी हो गई आपको समझाने के चक्कर में कोई बात नहीं है जो हमें समझ मेन मोटिव क्या है हमें समझ में आना चाहिए समझ में आपको आ गया होगा कोई डाउट नहीं रह गया होगा तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट क्या है हम आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमारी वीडियोस को आ, हमारी वीडियोस को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में सबको शेयर करो और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से हो सकता है कि इस टाइम में जब अभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्ले स्टोर पे ना मिले अभी, अभी अपडेट अपडेट हो रहा है ऐप थोड़ा टाइम लगेगा बाद में आ जाएगा ठीक है तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय